ठीक है, मुफ्ती साहब की औरतें दरगाह मजार वगैरह पर जा सकती है क्या? देखो ये बहुत काम की बात है, नहीं तो औरतें घर में रहते रहते हो जाते बोर। बोर क्यों हो जाते? न कुरान हाथ में है न तस्बीह हाथ में है। अगर कुरान और तस्बीह की दीवानी औरत बन जाए तो उसे बाहर का माहौल अच्छा न लगे, उसे घर का माहौल ही सबसे अच्छा लगे। तो जब घर में कुछ काम है ही नहीं, अब लोग भी नहीं आ रहे मिलने मिलने, आके इधर उधर की कुछ गिबतों से वक्त गुजार दे, तो बोले चलो आते जरा दरगाह पर से घूम के। एक बात याद रखो, दरगाह पर और मजार पर औरत का जाना शरअन जायज नहीं है। ये तो सब मसलक के देवबंद के लोग बैठे, सब देवबंदी है, बोले देवबंदी मसलक के लोग तो जाते ही नहीं, लेकिन जो जाने वाले हैं बरेलवी मसलक के लोग जाते हैं। बरेलवी मसलक के सबसे बड़े बुजुर्ग हजरत मौलाना अहमद रजा साहब, पहचानते क्या उनको? अरे नाम सुने, मौलाना अहमद रजा साहब ने खुद अपनी किताब में लिखा है। तुम ये मत बोलना अपने मौलाना कम पढ़ गए थे क्या, मैंने आपको पहले ही बता दिया अपने यहाँ तो है ही नहीं गुंजाइश। लेकिन जो लोग जाते हैं और मानते अहमद रजा साहब को है, औरत जिनके घरों की जा रही है वो अहमद रजा साहब को फॉलो करते हैं। मौलाना अहमद रजा साहब ने अपनी किताब में लिखा है जब औरत दरगाह पर जाने का इरादा करती है और घर से निकलती है, वो ये लिखते हैं अल्लाह की लानत उस औरत पे बरसती है। जाने वालों के पीर ने ये लिखा है, लेकिन फिर भी औरतें दरगाहों पे जाती है। अब कोई भी दरगाह पे चले जाओ मर्दों से ज्यादा औरतें हैं, पर कुछ क्यों जाते? बोले वहां जाएंगे तो अपने जिन्नात उतर जाएंगे। कोई जाता भला किसी काम से, किसी काम से। समझ लो इतनी बात, औरतें दरगाह और मजार पर नहीं जा सकती है, मर्द हजरात किसी काम से गए तो।